सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट 6 की, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप 6 पार्ट पर हैं, और मुझे उम्मीद है आपने पिछले 5 वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मुझे उम्मीद है आप अभी तक इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को ना मिस करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 6 पार्ट जो कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में प्रिंट जो था, प्रिंट कल्चर जब आया उससे पहले कैसे प्रिंट होता था, उसके बाद कैसे प्रिंट होता था, एंड जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, जो उससे पहले हम यूज़ करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनके डिसएडवांटेजेस क्या कहते थे और क्यों वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर 6.1 की बात करूँ, उसमें हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर एज ऑफ प्रिंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब एज ऑफ प्रिंट आया था यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह आए थे उससे पहले क्या होता था, उससे पहले हम यूज़ करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स एक हैंड रिटन स्क्रिप्ट होती है जो कि पाम लीव्स या फिर हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है, पाम के जो पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको लिया जाता था, उनके ऊपर लिखा जाता था, या फिर हैंडमेड पेपर लिया जाता था और उनके ऊपर लिखा जाता था और उनको फिर प्रिजर्व करके रखा जाता था। प्रिजर्व मतलब क्या, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता था, उनको क्या करते थे, लकड़ियाँ ले लेते थे दो लाइक फट्टे टाइप ले लेते, उसके ऊपर हम अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखेंगे एंड देन दूसरे फट्टे से या फिर दूसरे लकड़ी के टुकड़े से उसको हम कवर कर देते थे। इस तरह से जो था वो प्रिजर्व रहता था। अगर हमें इंग्लिश में लिखना है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रिजर्व्ड बिटवीन वुड्स, लाइक दे वर पुट बिटवीन वुड्स एंड आफ्टर दैट दे वर कवर्ड विद अनदर वुड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिकम्पोजिंग, या फिर उनको हार्म होने से हम बचाते थे। अगर आपको आंसर लिखने के लिए आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या किया जाता था, उनको साथ में सील दिया जाता था, लाइक देवर सीड टुगेदर, ताकि उनका जो डिकम्पोजिशन हो या फिर वो खराब ना हो। क्योंकि अब देखना अगर हम चाह रहे हैं तो सिर्फ पत्तों पे लिखा जा रहा था वो, या तो पेपर पे लिखा जा रहा था। उस टाइम का पेपर भी जो है इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जिसको हम ज़्यादा मोड़ सकें। तो अगर हम बात करें पत्तों की, तो पत्तों का भी आपको पता ही है, थोड़ा सा भी आप अगर रफ यूज़ करेंगे तो वो टूट जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो थी वो लिखने में, उसके बाद आपको प्रिजर्व करने में, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स की, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या था कि वो हाईली एक्सपेंसिव थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे पत्ते ढूंढना जिस पे आप लिख सको, आफ्टर दैट उस पे लिखने की मेहनत, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता था, लिखते वक्त भी पत्ते खराब हो जाते थे या टूट जाते थे, तो उस मेहनत के भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता था। आफ्टर दैट हाईली एक्सपेंसिव तो थे ही वो, साथ साथ में कहते हैं फ्रेजाइल थे। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं कोमल सी चीज़ होती है। फ्रेजाइल मतलब कोमल, जैसे कि जिसको आप थोड़ा सा भी रफली ट्रीट करें तो वो टूट जाएगा। तो जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो फ्रेजाइल थी, हार्ड टू मैनेज थी, यानी कि अगर उनको थोड़ा सा भी रफली किया, लाइक थोड़ा सा भी मोड़ दिया तो वहाँ से वो टूट जाएंगे और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपकी खराब हो जाएगी उस चक्कर में। नेक्स्ट चीज़ थी जो हार्ड टू रीड। हार्ड टू रीड का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ लिख रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में लिख रहे हैं तो स्टाइल अलग अलग होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में ऐसे ही था, जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइल्स चलते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, एक स्टाइल दूसरे बंदे को नहीं पता था और दूसरे बंदे को पहला स्टाइल नहीं पता था। इस वजह से क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो एक बंदा लिखता था उसको दूसरे बंदे को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती थी, एंड दैट्स वाई ये वाइडली यूज़ नहीं हुए थे। ये जो रीज़न है हमारे हाईली एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल एंड हार्ड टू रीड, इस वजह से ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। अगर हम बंगाल की बात करें, वहाँ पर कुछ स्कूल्स थे तो हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट रीड होंगे या ऐसा कुछ, बट वहाँ भी ऐसा नहीं था। वो बच्चे थे, उनको लिखना सिखाया जा रहा था बट उनकी जो पुरानी चीज़ें थी वो पढ़ाया नहीं जा रहा था। सिर्फ लाइक स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड, दे ओनली रोट, मतलब उनसे सिर्फ लिखवाया जा रहा था। जो टीचर्स थे वो अपनी मेमोरी से कुछ स्टोरीज बताते थे, अगर प्रैक्टिस करवानी थी तो उनको मेमोरी से स्टोरी बताते थे जिनको वो स्टूडेंट्स जो थे वो प्रैक्टिस करते थे। तो स्टूडेंट्स लिखना तो सीख गए थे बट वो पढ़ते नहीं थे। पढ़ना भी आता था उनको, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं आता था, बट वो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको नहीं पढ़ते थे, इसलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिमांड थी वो भी कम थी। एक तो वैसे ही रेयरली अवेलेबल थे और उनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता था, ये ज़्यादा बताने की कोशिश की जा रही है इसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, सेकंड पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज प्रिंट कम्स टू इंडिया। अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था वो गोवा में आया था, पोर्तुगीज मिशनरीज उनको लेके आए थे 16 सेंचुरी के मिड में, फॉर एग्जांपल 1550-1560 इस टाइम पे लेके आए थे वो लोग। उसके बाद हम अगर बात करें, पोर्तुगीज मिशनरीज जब आए थे उन्होंने क्या किया, और उसके बाद उनके साथ साथ कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह भी आए थे, तो वो जब इंडिया में आए तो साउथ इंडिया की तरफ थे वो लोग, साउथ इंडिया की साइड आए थे क्योंकि उस तरफ ही पोर्ट था, लाइक उसी साइड से वो आए थे। देन अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो क्या था, वो तमिल उन्होंने लर्न की, देन उन्होंने कोंकणी लर्न की जो वहाँ की लैंग्वेज है, कन्नड़ा लैंग्वेज लर्न की, और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स प्रिंट की।
तो हम अगर थोड़ा सा एक बार अगर ध्यान देंगे उस चीज पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा दिया हुआ है कि कौन सी जो बुक है वो कब प्रिंट हुई थी। तो 1674 तक की बात करेगा, तब तक लगभग लगभग 50 बुक्स प्रिंट हो चुकी थी कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करें अगर कैथोलिक प्रीस्ट की बात करें, उन्होंने भी 1579 में फर्स्ट तमिल बुक प्रिंट की थी। एंड अगर 1713 की बात करें उसमें फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हुई थी। तो ये आपको मतलब इतना नहीं है कि लाइक बाय हार्ट लर्न करना है, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस ईयर में या फिर किस बंदों ने किन बंदों ने कौन कौन सी बुक्स प्रिंट कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा याद कर लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक 1780s की बात आती है जिसमें जेम्स हिकी का वर्णन किया हुआ है, लाइक जेम्स हिकी के बारे में बताया हुआ है। तो जेम्स हिकी का जो पार्ट है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है। तो जेम्स हिकी ने क्या था, बंगाल गेजेट नाम का एक वीकली मैगजीन थी जिसको उन्होंने एडिट करना शुरू किया था, उसमें लिखना स्टार्ट किया था, उसमें एडिटर की तरह काम कर रहे थे वो। जो बंगाल गेजेट था वो जो था, अपने आपको एक कमर्शियल पेपर बताया करता था, कमर्शियल पेपर मतलब जो कि बिकने के लिए पेपर होता है, बट वो इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, अपने आपको इन्फ्लुएंस्ड बाय नन बताता। इसका मतलब क्या था कि वो फ्रीली प्रिंट करते थे, इसका मतलब था कि कोई भी जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह हैं वो उनको ये नहीं बोल सकते थे कि हाँ आप ये प्रिंट मत करो, हमारे बारे में वो प्रिंट मत करो। तो इस वजह से क्या हुआ, हिकी जो थे वो काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट तो डालते ही थे अपने न्यूज़पेपर में, बट साथ साथ में जो भी ब्रिटिशर्स की चीजें थी, ब्रिटिशर्स की इनसाइड न्यूज थी, वो भी उसमें प्रिंट कर दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे वॉरन हेस्टिंग्स, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ऐसे कोई बंदा हमारी इनसाइड चीजें प्रिंट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस पब्लिकेशन को जिनका बंगाल गैजेट था उसको बंद कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो बंदा था जेम्स हिकी, उनको वहां पर प्रोसिक्यूट कर दिया गया, मतलब उनको जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद क्या था, जितना भी ये प्रिंट था उन सबको रेगुलेट कर दिया गया। रेगुलेट कर दिया का मतलब क्या है, रेगुलेट करने का मतलब है कि उस सब चीजों को देखा जाने लगा कि क्या प्रिंट हो रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो जितना भी प्रिंट था उस सबको रेगुलेट कर दिया गया कि सब कुछ जो हो वो ब्रिटिशर्स के फेवर में बोले, कोई भी उनके अगेंस्ट ना बोले। तो ये चीज हो गई थी। अब हम जो हमारा सिक्स पार्ट है वो यहां पर खत्म हो जाता है। अगर हम सेवन्थ पार्ट की बात करें तो सेवन्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊंगा वापस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें।